क्वेश्चन नंबर 36। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास अमोनिया के फॉर्मेशन की एक रिएक्शन लिखी हुई है, N2+3H2 से 2NH3। अब ये रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक है और इसके लिए हमें परसेंटेज यील्ड का टाइम के साथ ग्राफ दिया है। तो हमें दिख रहा है कि टाइम के साथ परसेंटेज यील्ड जो अमोनिया के फॉर्मेशन की है वो बढ़ती जा रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू T1 से बढ़ा के T2 कर दें तो यील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है नेचर में, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो फाइनली जितना अमोनिया बन रहा था अमोनिया उससे कम नजर आएगा। लेकिन अगर इसको टाइम के साथ हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि नेट रेट जो इस रिएक्शन का है, दैट इज फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर KF भी बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर में है तो KF के कंपैरिजन में KB की वैल्यू का जो इंक्रीज होगा वो ज़्यादा होगा। अब T=0 पे केवल फॉरवर्ड रिएक्शन वर्क कर रही है, और फॉरवर्ड रिएक्शन वर्क कर रही है तो फॉरवर्ड रेट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और फॉरवर्ड रेट की वैल्यू ज़्यादा होगी, नेट रेट की वैल्यू ज़्यादा होगी T=0 पे। इसका मतलब जो यील्ड है अमोनिया के फॉर्मेशन की वो टेम्परेचर T1 से अगर हम T2 बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में वो यील्ड ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन अगर लगातार ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाए तो हमें दिखेगा कि कुछ टाइम के बाद KB की वैल्यू क्योंकि KF के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज़्यादा इंक्रीज हुई है, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट तेज़ी से बढ़ेगा और फॉरवर्ड को डोमिनेट करेगा। तो फाइनली नेट रेट की वैल्यू जो आ रही थी T1 टेम्परेचर पर, उससे नेट रेट की वैल्यू कम नज़र आएगी। इसलिए अमोनिया के फॉर्मेशन की जो यील्ड है वो टेम्परेचर T2 पर घट जाएगी। तो ये यील्ड स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर T1 वाली यील्ड से ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन फाइनली ये यील्ड टेम्परेचर T1 वाली यील्ड से कम नज़र आएगी। इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए B पार्ट।